मित्रों आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के टॉप 10 वीर योद्धाओं के बारे में जिनके त्याग व बलिदान पर संपूर्ण राजस्थान को गर्व है। मित्रों ये वे योद्धा थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटे पर शत्रुओं के आगे कभी झुके नहीं। मित्रों ये हमारा पार्ट 2 है। दुर्गादास राठौड़ माई एड़ो पूत जन जेड़ो दुर्गादास बांध मरुदरा राकियो बिन खंबा आकाश। अपनी जन्मभूमि मारवाड़ को मुगलों के अधिपत्य से मुक्त कराने वाले वीर शिरोमणि देश भगत स्वामी भगत दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर के सालवा गांव में हुआ था। इनका लालन पालन इनकी माता नेत कंवर ने लूणवा गांव में किया। नेत कंवर ने ही उन्हें वीरता के साथ साथ देश और धर्म पर मर मिटने के संस्कार दिए। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राठौड़ राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में कई बार चुनौती दी थी और युद्ध में पराजित भी किया था। दुर्गादास राठौड़ 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय चाहता है। यह करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को चुनौती दी थी। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दुर्गादास राठौड़ जैसे देश भगत स्वामी भगत वीर योद्धा सदियों में एक आध बार ही पैदा होते हैं। चार दिन हम किसी का सहयोग करने पर हम उसे सालों गिनाते हैं, लेकिन जिसने संपूर्ण जीवन अपने स्वामी की सेवा की पर कभी गिनाया नहीं, जिसने मारवाड़ को मुगलों से प्राप्त करने में अपनी जवानी जला दी लेकिन छोड़ते वक्त अपना हिस्सा नहीं मांगा, ऐसे महावीर को नमन है। जयमल राठौड़ भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर रज डुबुक अनुगड़ी मरियो मिटे चित्तौड़। जयमल राठौड़ मेड़ता के शासक थे। वह हिंदू संत मीराबाई के ससेरे भाई थे और राव जोधा राठौड़ के परपोते और राव दूधा राठौड़ के पोते थे। अपने पिता राव वीरमदेव की मृत्यु के बाद वह मेड़ता के शासक बने। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब उदय सिंह अपने सामंतों के कहने पर चित्तौड़ दुर्ग का भार अपने सामंतों को सौंप स्वयं राजकोष और परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर चले गए और किले की सुरक्षा का जिम्मा जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत को सौंपा। इन वीरों ने अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ की रक्षा का भार संभाला। राजपूतों ने साका किया। सभी वीरों ने केसरिया धारण किया और भूखे शेरों की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। युद्ध में मुगल सेना के चक्के छुड़ा दिए। अकबर जयमल व पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इनकी मूर्तियां बनवाकर अपने महल सिंह द्वार पर स्थापित करवाई। कानड़देव सोहान जालौर के सोनग्रा सोहान कानड़देव सोहान एक प्रतापी शासक थे जिनके समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी था और कानड़देव सोहान के पुत्र का नाम वीरमदेव सोहान था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार कानड़देव सोहान पर 1305 ईस्वी में आक्रमण किया जिसमें शिवाना का साका हुआ। दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया। कई प्रयासों के बाद सेना जालौर के किले को जीत नहीं पाई। दैया राजपूत बिका को अपनी ओर मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने खिलजी की सेना को जालौर के दुर्ग की गुप्त सुरंग का पता बता दिया। जब ये बात बिका की पत्नी को पता चली तो उसने उसी समय बिका की हत्या कर दी और ये बात जाकर कानड़देव सोहान को बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी कहा जाता है कि राई के भाव तो रात को ही गए। कानड़देव की वीरता पूर्वक राव जोधा राव जोधा मारवाड़ के संस्थापक राव सिंह के वंशज थे। इनका जन्म 1716 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राव रणमल को मारवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाने के कारण वह मेवाड़ नरेश राणा लाखा के पास चले गए और मेवाड़ सेना की सहायता से 1726 ईस्वी में मारवाड़ दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी, परंतु ये अधिकार ज्यादा समय नहीं चल सका। कुछ वर्षों के पश्चात मेवाड़ के सरदारों ने तत्कालीन नरेश राणा कुंभा को रणमल के विरुद्ध बहका दिया और इस कारण 1738 में सोते हुए राव रणमल की हत्या कर दी गई। मंडोर दुर्ग पर मेवाड़ का अधिकार हो गया और 22 वर्षीय राव जोधा अपने भाइयों सहित मेवाड़ से मारवाड़ की सुरक्षित सीमा में आ गए, लेकिन अपना राज्य पुनः पाने के लिए मेवाड़ की सेना से उनका युद्ध 15 वर्षों तक चलता रहा और आखिरी 1553 ईस्वी में मंडोर पर विजय प्राप्त करने में वे सफल हुए और धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते हुए राव जोधा ने आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। तब राणा कुंभा ने एक संधि प्रस्ताव रखा जिससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का स्थायी निर्धारण हो सके तथा दोनों राज्यों में शांति बनी रहे, जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं, यानी जहाँ तक
आम और आंवला के पेड़ होंगे वह भूमि मेवाड़ की होगी और जहाँ तक बबूल के पेड़ होंगे वह मारवाड़ की भूमि होगी। इसके बाद राव जोधा ने अपने साहस और बुद्धि से मारवाड़ का उद्धार करने में लग गई। मंडोर किले को असुरक्षित जानकर उन्होंने एक नया किला बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श करके मंडोर से 8 किलोमीटर दूर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर दुर्ग बनाने का निश्चय किया। 1769 ईस्वी में राव जोधा ने दुर्ग की नींव रखी। धरातल से करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर म्यूर की आकृति में बहुत ही सुंदर कलात्मक और अजय किले का निर्माण हुआ, जिसे मेहरानगढ़ किला कहा गया। दुर्ग निर्माण के साथ ही राव जोधा ने एक नगर का भी निर्माण करवाया जो उनके नाम पर जोधपुर कहलाया। चेताजी कोम्पाजी राठौर। गिरी सुमेल युद्ध विश्व में अनूठा उदाहरण है। एक ऐसा युद्ध जो बिना राजा के नेतृत्व में उसके सिपाहियों द्वारा जनता की रक्षा लड़ा गया। शेरशाह की विशाल सेना के सामने महज कुछ हजार सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। युद्ध भले ही शेरशाह जीत गया हो, लेकिन उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सलतलन खो बैठता। यदि शेरशाह झूठ और कपट का सहारा नहीं लेता, राव मालदेव युद्ध भूमि नहीं छोड़ते तो इतिहास कुछ और ही होता। ऐतिहासिक गिरी सुमेल के युद्ध के नायक थे राव जैताजी कोम्पाजी राठौर। इतिहास में इनका नाम शन अक्षरों में अंकित है। अखेराज के पुत्र जैता राठौर की वीरता के उदाहरण सिर्फ गिरी सुमेल युद्ध तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ में कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। दोनों वीरों के इसी साहस बड़ा उदाहरण है गिरी सुमेल युद्ध। वर्ष 1544 में अफगान शेरशाह सूरी मारवाड़ पर आक्रमण करने आगरा से रवाना होता है तो उनकी जानकारी जैता कोम्पा को मिलती है। इन्होंने मारवाड़ के तत्कालीन शासक राव मालदेव को इनकी जानकारी दी और शेरशाह का मुकाबला करने रवाना हो गए। राव मालदेव और सेनापति जैता कोम्पा अपने सेना के साथ जातारण के निकट सुमेल नामक स्थान पर पहुंच गए। करीब एक महीने तक यह शेरशाह सूरी की सेना रुकी रही, लेकिन मारवाड़ के वीरों पर हमला करने का साहस नहीं जुटा पाए। राठौर वीरों की कहानियां सुनकर शेरशाह हताश हो गई। अंत में शेरशाह धोखा करने में सफल रहा। उसने मालदेव की सेना में अफवाह फैला दी। इसमें मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर लौट गए। मारवाड़ की जनता की रक्षार्थ मालदेव की सेना के सेनापति चेताजी कोम्पाजी ने राजा के बिना ही शेरशाह की विशाल सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया। करीब 12,000 राजपूत सैनिक अफगान सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिकों के साथ भी जैताजी कोम्पाजी भी लड़ते हुए शहीद हो गए। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। रतन सिंह अपने पिता समर सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर 1302 ईस्वी में बैठे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के वे एकलिंग महामत्य के अनुसार कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम राजा थे। रावल रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था। रतन सिंह का इतिहास वीरता और साहस के साथ भरा है, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जगत सिंह था। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ। वे न केवल एक कला प्रेमी जन जन के सहे थे, वीर और दानी पुरुष थे, बल्कि वे धर्मनिष्ठ प्रजापालक और बहुत कुशल शासक संचालन भी थे। उनके राज्यकाल के समय लोगों को उनकी दानवीरता के बारे में जानने का मौका मिला। उन्होंने कई बार सोने चांदी अनमोल धातुएं रत्नादि के तुलादान करवाए और योग्य लोगों को सम्मानित किया। राजसमंद झील के किनारे 900 की पर बड़े बड़े पट्टों पर उत्कीर्ण राजप्रस्तुति शिलालेख बनवाए जो आज भी 900 की पर देखने को मिलते हैं। कल्याण सिंह राठौर। राजस्थान में अनेक वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। कल्याण सिंह राठौर भी ऐसे ही एक महावीर थे। उनका जन्म मेड़ता राज परिवार में विक्रम संवत 1601 में हुआ था। उनके पिता मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आशा सिंह थे। भक्तिमती मीराबाई उनकी बुआ थी। कल्ला जी की रुचि बचपन से ही सामान्य शिक्षा के साथ ही योगा अभ्यास, औषधि विज्ञान और शस्त्र संचालन में थी। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से उन्होंने योग की शिक्षा पाई थी। इसी समय मुगल आक्रमणकारी अकबर ने मेड़ता पर हमला किया। राव जयमल के नेतृत्व में आशा सिंह तथा कल्याण सिंह जी ने अकबर का डटकर मुकाबला किया, पर सफलता न मिलने देख राव जयमल अपने परिवार सहित घेराबंदी से निकलकर चित्तौड़ पहुंच गए। राणा उदय सिंह ने उनका स्वागत कर उन्हें बदनोर की जागीरी प्रदान की।
कल्याण सिंह राठौड़ को भी रंढालपुर की जागीरी देकर गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक नियुक्त कर दिया। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया। कल्याण सिंह राठौड़ उदय सिंह की सेना में शामिल होकर अपने वीरता का परिचय दिया। युद्ध में सेनापति जयमल सिंह राठौड़ थे, उनके पाव घायल हुए तो 24 साल के कल्याण सिंह जी ने उन्हें कंधा पर बिठाकर चार भुजाओं के साथ युद्ध किया। दो भुजाएं कल्याण सिंह राठौड़ की और दो जयमल सिंह राठौड़ की। गोरा बादल। गोरा तत्कालीन चित्तौड़ के सेनापति थे एवं बादल उनके भतीजे थे। दोनों अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी योद्धा थे। उनके पास साहस, बल और पुरुषार्थ से सारे शत्रु डरते थे। गोरा एवं बादल इतिहास के उन गिने सुने लड़ाकों में से एक थे जिनके पास बहुबल के साथ साथ तीव्र बुद्धि भी थी। इनकी बुद्धि एवं वीरता ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया जिसे कोई और शायद ही कर पाता। ये ऐसे योद्धा थे जो दिल्ली जाकर खिलजी के कैद से राणा रतन सिंह को छुड़ा लाए थे। इस युद्ध में जब गोरा ने खिलजी के सेनापति को मारा था, उनका खुद का शीश पहले से ही कट चुका था, केवल धड़ी शेष रह गया था। बात उस समय की है जब खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया था। जब राणा जी दिल्ली में खिलजी के कैद में बैठे थे, तब चित्तौड़ के भयभीत रईसों ने पद्मिनी को अलाउद्दीन के सामने आत्मसमर्पण करने पर विचार किया, लेकिन योद्धा गोरा और बादल इसकी रक्षा करने और राजा रतन सिंह को बसाने के लिए सहमत होते हैं। वे माँ पद्मिनी को अलाउद्दीन के सामने आत्मसमर्पण करने का दिखावा करते हैं, लेकिन इसके बजाय योद्धाओं को राजमहल में छिपा कर लाते हैं। फिर राजा को बसाते हैं और गोरा अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, जबकि बादल राजा को चित्तौड़ किले में वापस ले जाते हैं।